हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा, ठीक है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने रूप होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं भाषा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि भाषा किसे कहते हैं, ठीक है। भाषा किसे कहते हैं? जब व्यक्ति बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। जब कोई व्यक्ति बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर दूसरे व्यक्ति को अपने भाव या विचार बताते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं भाषा, ठीक है। भाषा के द्वारा ही विचारों का आदान प्रदान हो सकता है, ठीक है। विदाउट लैंग्वेज हम लोग अपने मन की बात दूसरे को समझा नहीं सकते, ओके। चलिए आगे पढ़ते हैं और देखते हैं भाषा के एग्जाम्पल। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल है, जैसे कि मान लीजिए एक बॉय है और एक गर्ल है, ठीक है। बॉय पूछ रहा है क्वेश्चन कि कैसी हो, गर्ल आंसर देगी अच्छी हूँ। तो एक दूसरे को अपनी बात बताए दोनों, ठीक है, तो ये कहलाया भाषा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, एक होता है मौखिक और एक होता है लिखित। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? देखिए, जिस भाषा को मुख से यानी कि मुंह से बोला तथा कानों से सुना जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं, ओके। लिखकर अपनी बात प्रकट करना तथा लिखा हुआ पढ़कर दूसरे की बात समझना लिखित भाषा कहलाता है, ओके। याद रखिए, मौखिक भाषा वे भाषा होती है जो हम लोग मुंह से बोलते हैं, ठीक है, और लिखित भाषा वे भाषा होती है जो हम लोग लिखकर बताते हैं, ओके। तो आज का लेसन था भाषा और भाषा के कितने रूप होते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।